सो मच वेलकम माय YouTube चैनल द विक सिद्धांत वर्ल्ड एक्सप्लोर सिद्धांत। तो गाइस वापस से स्वागत है मेरे को नए व्लॉग पर। तो गाइस क्या, तो गाइस आज हम जा रहे हैं महानपुर, जो कि मेरे वहाँ पे एक नानी का घर है। तो हम वहाँ पे जाके शॉपिंग वगैरह करेंगे। तो मैंने अभी नहा लिया हुआ है, तो अभी जस्ट नहा के आया हूँ। तो चलो गाइस महानपुर जाते हैं। सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट कर लिया हुआ है, नानी ने परोंठी बनाई हुई थी मूली की, बड़ी टेस्टी थी। तो बाकी मेरे सारे जा रहे हैं, मेरी बहन भी जा रही है, जो जो कल हमारे साथ आए थे जम्मू, जब हम आए थे वैसे ही हम जा रहे हैं महानपुर में। वहाँ से जाएंगे फिर वहाँ पे कुछ करेंगे, बैठेंगे वगैरह, वहाँ पे शॉपिंग भी वगैरह करेंगे। तो देखते हैं वहाँ पे क्या कर लेते हैं, और मैंने थोड़े से फ़ोटोशूट्स वगैरह और करवाने हैं वहाँ पे गाड़ी के साथ। तो मैं अपनी वॉच भी लेके आया हूँ, दिखा देता हूँ। मैं अपनी वॉच लेके आया हूँ, डिजिटल वॉच है ये, देखो गाइस आपको दिख रही होगी। तो ये मेरी वॉच है। तो चलो गाइस अब हम ना महानपुर में चलते हैं। मैं बात कर रहा था रात को जिससे मैंने मिलना, जिसका मैं आपको घर दिखा रहा था। सो गाइस वो अभी वहाँ पे जाके छुप गया हुआ, बट उसकी दुकान ये है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसकी सब्जी की दुकान है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं इसने। तो एक ये भी दोस्त है हमारा टिल्लू, ये बड़ा सही बंदा है। तो बाकी वो वहाँ पे है, तो इसकी दुकान तक हम थोड़ी बहुत एक्सप्लोर कर लेते हैं। चिप्स वगैरह रखी हुई है, तो बाकी इसने ऑयल वगैरह रखा हुआ है पैकेट में, वैसे जो भी सामान होता है किराने में, मैगी वगैरह जो भी। वो देखो वो खड़ा हुआ है, मैं जूम करता हूँ गाइस, वो खड़ा हुआ है आप देख ही सकते होंगे। चिप्स वगैरह बिस्किट वगैरह रखे हुए हैं, बाकी देख लो गाइस सोप वगैरह बड़ा कुछ रखा हुआ है इसमें। जस्ट इसको महीना ही हुआ है, तो इससे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं आगे। ये देखो ये गाइस खड़ा हुआ है। सो गाइस ये होगा, ये मेरी नानी के गेट के बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ। तो देखते होंगे आप गाइस, यहाँ पे एक शादी भी है, तब भी सारे गाने बज रहे होंगे, आपको सुनाई दे रहे होंगे ऐसे। बट यहाँ पे शादी है, इस ये सामने वाले घर से पीछे वाला घर है, यहाँ पे शादी है। तो अभी हम निकलने वाले हैं। मैंने सुबह, हमारी गाड़ी गंदी हो गई है आते आते, तो मैंने अपनी, हमने अपनी गाड़ी भी धो ली हुई है, देख सकते होंगे अब मैंने अपनी गाड़ी धो ली हुई है। तो हमने गाड़ी धो ली, तो उसके बाद चल गए जब हम चलते हैं महानपुर में। तो देखते हैं महानपुर में क्या क्या करते हैं, मिलते हैं आपको महानपुर में। हम पहुंच चुके हैं अपने नानी के घर पे। तो मैं हूँ, बाकी आप सब कुछ देख ही सकते होंगे, नानी, छोटी बहन, बड़ी बहन है, और मैं हूँ, और बाकी मम्मा है मेरी। तो चलो गाइस अब इनके घर पे चलते हैं। तो ये इनका सामने घर है, बहुत इनकी इतनी बड़ी बिल्डिंग जैसी बनी हुई है, ये पूरा घर है इनका। देखो गाइस कितना प्यारा घर है इनका, एकदम अच्छा वाला घर है। ये सामने प्लॉट है और बाकी ये इनका घर है। तो चलो गाइस अंदर चलते हैं, चलो अंदर। अभी हम 1 आवर यहाँ पे बैठेंगे अपनी मासी के घर पे। तो अभी हम यहाँ पे 1 आवर बैठेंगे, फिर उसके बाद महानपुर में शॉपिंग वगैरह करेंगे। तो गाड़ी में ऑयल भी भरवाना है, काम हो चुका है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि उसमें ऑयल भरवाना परनाला जाएंगे, क्योंकि महानपुर में पेट्रोल पंप है, बट वहाँ पे सही पेट्रोल पंप पेट्रोल नहीं डालते हैं, तो इसलिए हम परनाला जा रहे हैं। वहाँ से हम कुछ खाने पीने वाला सामान लाएंगे, नानू के लिए पैक कराएंगे। बाकी वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, हम उधर जाके खाएंगे। होटल्स नहीं, ऐसे शॉप्स वगैरह, शॉप्स हैं, मतलब जैसे होटल टाइप ही, ऐसे फन बाइट्स हैं वैसे। तो ऐसे गाइस फिर हम यहाँ पे अभी मिलते हैं आपको शॉपिंग करते हैं वक्त। मेरी नानी जी का घर है, जो कि अभी ये बन रहा है, पूरा कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे अभी। तो अभी मैं आपको घर वगैरह दिखाता हूँ। तो ये एक रूम तैयार हो रहा है, ये भी एक रूम है। बाकी ये मेरे मामू का साइकिल है कि ख़राब हो चुका है। ये है बालकनी बार की, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और बाकी ये सारा महानपुर वगैरह आप देख ही सकते होंगे, घर तो बहुत बड़ा है वाला। तो और भी आगे देखते रहते हैं कुछ। यहाँ पे ये है, ये एक बाथरूम बन रहा है जो कि अच्छा है। ये बाथरूम नहीं है, ये सॉरी ये वो है, स्टोर है, अच्छा वाला स्टोर है ये। तो बाकी ये देख रहे हैं हम, तो और भी आगे देखते हैं और क्या क्या। ये है स्टेयर्स जो कि बड़ी खतरनाक वाली, डर लग रहा है। तो बाकी
बाकी ये जो काम कर ये है, बाकी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका सामान वगैरह, बाकी ये भी एक बार बालकनी है, ऊपर एक वो छाता बड़ा सही वाला, तो बाकी आप देख सकते होंगे गाइस। सो गाइस तो ये गाइस स्टेयर आते हैं हम भैया, तो ये क्या ये वॉशरूम, ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम था बट अब नहीं है, तो ये क्या ये है वॉशरूम, जो मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा फिर से, देखो गाइस बाथरूम भी अच्छा है, मतलब ये ऐसा बनेगा, ऐसे ढंग के बनेगा, अच्छा है। सो भाई ऊपर चढ़ रही बट इसे चढ़ने नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा गुफा टाइप है। तो ऊपर का व्यू तो बड़ा ही मस्त है, और ऊपर है, चलो और ऊपर है, बाकी ये मैं आपको और भी दिखा देता हूँ ताकि ताकि आप पूरा वॉक अराउंड ले सकें। एक ये देखो गाइस, और यहाँ पे एक नीचे ये बनाया हुआ है कोई बैठ सके, कोई ऐसे खाना वगैरह, और यहाँ पे ये स्टेयर बनाएंगे जो बनती है ना दूसरी वाली, अब हम ऊपर चलते हैं, बाकी आप देख ही सकते होंगे गाइस बहुत प्यारा घर बन रहा है, और चलो ऊपर गाइस चलते हैं। ऊपर तो और भी अच्छा है, तो गाइस ऊपर तो और भी अच्छा है, मैं आपको पूरा नज़ारा देता हूँ अब मानपुर का, तब तक गाइस मैं आपको कुछ हेडफोन से पड़े हुए हैं कहाँ पे है वो? सो गाइस वो देखो मैं आपको हेडफोन दिखाता हूँ जरा सा, वो देखो हेडफोन पड़ा हुआ है, मेरी दीदी की क्लास, मेरी मासी की क्लास थी तो वहाँ पे बैठे थे, पता नहीं कैसे बैठ गए, तो तब तक गाइस मैं आपको एक्शन शॉर्ट्स वगैरह दिखाता हूँ, तब तक आप शॉर्ट्स देखो इंजॉय करो शॉर्ट्स को। Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, 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 oh. I'm music, I flow, snake. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki. Saki, saki, prende los motores Kawasaki. En la discota Jenny llegaron los Anonaki. No le baje, el booty sobresale de tu traje. No trajo panticitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, 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 oh. I'm music, I flows. Boy, boy. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it. Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this punani is undefeated. Ay, he say he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You just got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. When you come through.
fiesta. They can try, but don't know what can stop me. Con mi talkie-talkie, vamos a hacer mi talkie-talkie, que son. Báileme como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. से आ चुका हूँ अपनी मासी के घर से, नानी के घर से। तो अभी यहाँ पे एक धाम है, गाँव की धाम है। तो चलो अब धाम खाने चलते हैं। पीछे मेरा घर है, यहाँ पे पीछे है धाम। तो चलो गाइस धाम खाते हैं। मैंने खाना खा लिया हुआ है। खाना बहुत टेस्टी था, दाल थी, अम्बल था और मीठे चावल थे। तो बस मज़ा आया। और मैंने लिए थे मीठा चावल और अम्बल, जो कि खट्टा होता है, और वो खाना बहुत ही टेस्टी था। तो चलो अब हम अपने घर पे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अपनी नानी के घर पे। तो उन्होंने नया घर बनाया है, मैं आपको सिर्फ बाहर से दिखाऊंगा और वहाँ के कुछ थोड़े बहुत शॉर्ट्स वगैरह दिखाऊंगा। जहाँ पे भी जो भी कुछ होगा मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो मैं अपनी नानी के घर पे जा रहा हूँ, नया घर बन रहा है। तो मैं बाहर से दिखाऊंगा, अंदर से बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अंदर भी काम चल रहा है। तो इसलिए गाइस, तो तब तक आप अपना बाहर से देखना और बाकी शॉर्ट्स वगैरह डालूंगा। ये है वो रास्ता जहाँ से हमने जाना है। तो अभी टाइम लगेगा, 5-10 मिनट लगेंगे, अभी दूर है थोड़ा सा। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ तो तब मैं आपको मिलता हूँ गाइस। तब तक मैं आपको कुछ आगे भी दिखा लेता हूँ। सो गाइस ये है वो जगह। तो व्यूज आपको अच्छा ही दिख रहा होगा, तो बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे। तो बड़े हो गए ना गाइस, तो ये यहाँ पे फूल लगे हैं बहुत अच्छे से। तो आगे कुछ आ रहा है, ट्रैक्टर आ रहा है आगे से। तो आगे से यहाँ पे एक चिकन शॉप थी, वहाँ पे यहाँ पे कूड़ा कचरा वगैरह लोग फेंकते हैं। बाकी ये सारा जंगल वगैरह, मतलब ऐसा लगता है कि जंगल टाइप है, बहुत जंगल है अंदर। कोई जिसने मूवी बनानी हो ना जंगल टाइप की, तो वो यहाँ तो यहाँ पे एनिमल्स ही होते हैं, जैसे कि स्नेक वगैरह तो आते रहते हैं यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे बड़े फॉक्स, टाइगर वगैरह बड़ा कुछ आता है। और जिसने यहाँ पे जंगल मूवी बनानी वो आ सकता है। उसका मैं आपको रास्ता मैं आपको बता देता हूँ, मतलब अंदर नहीं जाऊँगा। सो गाइस ये हमारे फूफू जी, मौसा जी सॉरी। तो ये भी एक चिकन शॉप है। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ से रास्ता, मतलब चिकन शॉप है। देखो गाइस, ये देखो गाइस उनका पिंजरा। रास्ता आपको पड़ता है वो वहाँ से, फिर जा तो वहाँ से जा सकता है। बाकी ये एक हट बना हुआ बड़ा प्यारा सा, जो कि इसको हो चुके होंगे लगभग कई बड़े साल हो गए होंगे। तो ये वो एक हट है, बाकी जब वो आगे गाइस देखते हैं। गाइस अभी हम बस पहुँचने वाले हैं वो है घर वाइट वाला। तो चलते हैं। बाकी यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह लगी हुई हैं, फार्मर्स ने लगाई हुई हैं। तो बड़ी मेहनत है यहाँ पे, बड़े सारे फार्मर्स हैं। तो यहाँ पे सब्जी वगैरह उगी हुई हैं। तो चलो गाइस मैं आपको घर के बाहर मिलता हूँ। ये व्लॉगिंग कर रहे हैं, बार बार हाय हाय कर जा रहे हैं। तो बाकी आप देख सकते होंगे मेरे पापा हैं। तो गाइस व्यू तो चेक करो, ये बहुत ही अच्छा व्यू है, व्यू तो बहुत ही अच्छा, ठंड वगैरह लग रही है। बाकी मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, मगर व्हाइट कलर का और ये व्हाइट कलर आगे। तो आपको ये टॉवर लगा हुआ है एक, तो आगे भी बड़े सारे
पेड़ है वहाँ पे, सनसेट आया हुआ है जहाँ पे आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे व्यू तो बड़ा अच्छा आता है। यहाँ पे शिंज वगैरह भी होती रहती है गर्मियों के मौसम में, जून जुलाई में आती है। तो देखो गाइस इधर तो बड़ा प्यारा बना हुआ है, तो अच्छा ही लग रहा है, थोड़ा पास जाते हैं फिर ही अच्छा लगेगा। तो चलो गाइस आगे देखते हैं क्या क्या। घर के बाहर पहुँच चुका हूँ बट मैंने वाइड एंगल कैमरा लगाया हुआ है तो इसलिए आपको थोड़ा वाइड वाइड दिख रहा होगा। तो बाकी घर तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है मेरे को। तो देखो गाइस यहाँ पे शादी भी वाला घर है, आगे बड़ी शादियाँ हैं यहाँ पे, कल भी थी, कल दो थी और यहाँ पे एक है। घर तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। तो ये साथ में ये मंदिर है, बाकी यहाँ पे इनका लगेगा गेट वगैरह। तो बाकी मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा, मैं आपको जूम करके दिखा पाऊँगा। तो देख सकते होंगे आप बाकी अंदर बन रहा है। तो गाइस देखो गाइस अभी बना नहीं है, तो जब बनेगा तो फिर मैं आपसे जब अगली बार आऊँगा फिर मैं दिखा दूँगा। क्या पता मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा, मतलब क्या पता मैं आऊँ कि नहीं आऊँ। तो बहुत ही अच्छा घर बना हुआ है, तो आप देख सकते होंगे अभी भी काम चल ही रहा है इनका। ये टैंकी में इन्होंने पानी स्टोर करके रखा हुआ है, बाकी ये भी पीछे इनकी जगह है, पीछे पीछे सब इनकी जगह है। यहाँ सब देख सकते हो, यहाँ पे देखो गाइस पूरा कितना सही व्यू आ रहा है, वहाँ पे सनसेट आया हुआ है। तो पीछे तो बहुत जगह, अभी ये ऐसे ही लग रही है बट ये आगे जाकर ये यहाँ पे लॉन बन जाएगा। वहाँ पे भी एक टैंकी लगी है, वहाँ पे भी लगी हुई है, तो ये आगे जाके लॉन बन जाएगा बहुत बड़ा सा। तो अभी गेट भी लगना है, ये अभी ये बन रहा है, अभी देखो अभी भी काम चल रहा है। तो देखो गाइस कितना प्यारा व्यू है, जन्नत में हूँ मैं अभी। तो बाकी वहाँ पे कोई कुछ जला रहा है, नहीं कोई कोई जला रहा कुछ। तो बाकी यहाँ पे भी मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा चढ़ के थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको गाइस। ये है गाइस, आप देख सकते होंगे एक घर। तो वहाँ पे भी इन्होंने कुछ करना आगे, मेरे को पता नहीं है क्या करना है। तो आगे देखते हैं गाइस, पूछते हैं क्या 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 करना है, इन्होंने वहाँ पे क्या बनाना है। अभी पूछा है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बनेगी कार पार्किंग, बट ये यहाँ पे भी कार पार्क कर सकते हैं, बट यहाँ पे शेड बनेगा कार पार्क का। तो इनके पास दो, एक स्कूटी है वन बाइक है, शेड में लगा देंगे क्योंकि फिर बारिश भी आती रहती है। तो ये बन रहे हैं कि कार शेड बनेगा अच्छा वाला, तो जब बनेगा तो फिर आऊँगा मैं भी। आगे अंदर वगैरह चलते हैं, देखते हैं आगे अंदर। मैं भी छत पे आ चुका हूँ, छत। ओए तो भाई कहाँ पैर रख रही, पैर मत रख यहाँ पे, इसको यहाँ पे आराम से चल सकते हैं पता। तो भाई ये पता नहीं क्या कर रही है, मेरे को तो डर लग रहा है, बड़ा डर लग रहा है। तो भाई ये देखो बाकी में सब प्यारा लग रहा है। सुबह सनसेट बड़ा प्यारा आ रहा है, बाकी घर तो बड़ा प्यारा है। तो ये भी व्लॉगिंग कर रही है, तो गाइस मैं अभी घर से आ चुका हूँ। तो घर बहुत अच्छा था, अभी बन रहा है अभी। तो अभी मैं जा रहा हूँ अब घर पे, नानी के घर पे, अपने घर पे जा रहा हूँ। बस यहाँ पे शादी है, तभी यहाँ पे गाड़ियों की लाइन वगैरह लगी हुई है। तो घर पे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या करते हैं। और हाँ गाइस हमारा पन्ना वाला जाना कैंसिल हो गया, नहीं कह रहे थे कि नहीं जाना बट पता नहीं क्यों। उसका नाम नहीं लिया था, उसका नाम है लंबड़ का ढाबा, तो जरूर वहाँ पे जाकर खाना टेस्टी है। तो मैं बताना भूल गया था बट उसका नाम है लंबड़ का ढाबा, प्लीज खाएं वहाँ पे खाना।
अपनी नानी के घर से आ चुके थे, तो हम उस समय लगभग 6 बज गए थे गाइस, फिर 6 बज गए थे, गेस्ट आ गए थे, नानी नानू चाची मेरे कजन आगे थे, बहुत आगे थे, तो फिर मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाए। फिर उसके बाद फिर अभी वो जज किया, तो अभी हमने खाना खाया, तो नानी ने बनाई थी दाल बनाई थी और राजमा बनाए थे और लेडी फिंगर बनाई थी और साथ में चपाती राइस। तो बड़ा मजा आया खाना खाने का। तो बाकी अभी हम सोच रहे हैं कि फिर से आज वॉक करने के लिए करेंगे। तो कल भी वॉक की थी, आज भी की थी, बहुत अच्छी बात है कि हम वॉक करें ताकि हम फिट भी रह पाए और हमारा टमी भर जाए। हाँ इसका तो बहुत ही भार है मेरा, तो इसका भी बहुत भार है, ये सारे ही बोलते हैं, झूठ बोलते रहते। नो गाइस मेरा इतना भी नहीं है, लंबी लंबी नो गाइस ये बेइज्जती करती है भाई ये तो। नहीं 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 शांति शांति। तो बाकी अभी देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं, आपको मिलते हैं वॉक करे टाइम। मैंने अपनी मम्मा को बोला कि अभी वॉक करो, ये कह रहे हैं कि अभी मैंने चपाती बनानी है तो अभी और बनानी है, तो अभी मम्मा चपाती से बना रही है। हेलो गाइस, ये व्लॉग शूट कर रही थी अभी, मेरे इसके सामने मेरे फोन पर वीडियो आ गई थी। तो बाकी बाहर डॉग आ चुके हुए हैं, इनका खाना खाने वाला, एक छोटा सा डॉगी है जो कि बड़ा प्यारा क्यूट सा, देखो गाइस मेरे से डरता है पता नहीं क्यों, ऐसा मैंने इसके साथ पता नहीं क्या किया। तो बाकी कल भी हम इसी जगह पे थे रात को। सो गाइस मैं इससे के पास जाऊंगी, ये तो भाग ही जाएगा, मैं जाऊंगी इसके पास, लोगो गाइस वहां पे एक डॉग है वो डरता है और लोगों को डराता है। पापा बाकी हमारे शिफ्ट वगैरह यहां पे लगी है, यहीं पे हमने पार्क की होती है रोज, तो यहीं पे पार्क करते हैं क्योंकि यहां पे रात को ट्रक वगैरह आते रहते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत डर गाइस रहता ही है। अभी जब मम्मा फुलके पका लेते हैं चपाती, तो ये ऊपर जा रही है कैंपे, ये बार बार हेलो करी जा रही है, हेलो हेलो हेलो। तो हेलो गेट बंद कर लेते हैं, तो गाइस ये गेट बंद करिए, अभी बाद में जाते हैं, बाकी हमारे पास हथियार है डॉगियों के लिए, देख सकते होंगे गाइस। तो चलो गाइस जब हम बाहर जाते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। मैंने वॉक भी की थी थोड़ी सी, अकेले की थी। तो गाइस मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो वो सबसे पहले पहुँच जाए। और ये व्लॉग कर रही है तो मैं अपने इंस्टाग्राम की व्लॉग की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप चेक कर फॉलो कर सकते हैं। तो चलो गाइस मिलते हैं जल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।